कमी है। मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 गुंडा सरकार मुर्दाबाद 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 जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दहिया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फिलहाल मौजूद हैं हम भिवाणी, यहां देख रहे हो आप लगे सचिवालय के सामने कुछ छात्र संघ यहां पे मौजूद हैं और यहां पे सामने प्रशासन भी खड़ा हुआ, उससे कुछ बातचीत चल रही है। यहां पे जब शुरुआत के अंदर जब छात्र आ रहे थे, वीडियो के अंदर भी आप देख रहे थे, तो सीधे डायरेक्ट यहाँ अंदर चले गए थे। उस तरीके से किस तरीके से प्रशासन के द्वारा व्यवहार किया गया था वो भी देख सकते हैं और कुछ साथियों से बातचीत करेंगे, प्रशासन से भी बातचीत करेंगे। क्या अपने देश के अंदर क्या छात्र जो है अपनी शिक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? अगर यहाँ पे ठेके खुल रहे हैं, पूरा मतलब सब कुछ खुला है, तो क्या शिक्षा के संस्थान जो हैं वो बंद कैसे हो सकते हैं? तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे इसके बारे में। इसमें 26 तक का टाइम लिखा है, अगर 26 के बाद शिक्षण संस्थान नहीं खोले जाते तो पूरे प्रदेश स्तर का आंदोलन होगा और उसके लिए जो है सरकार और प्रशासन और मुख्यमंत्री सभी उसके लिए जो जिम्मेदार होंगे। जरूर आपकी सर आपसे बातचीत करना चाहूंगा। छात्र अपनी आवाज़ उठाने के लिए अपना अधिकार है, कहीं पे भी जाके आवाज उठा सकते हैं। यहाँ पे जब छात्र एंट्री कर रहे थे तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी द्वारा थोड़ा गलत व्यवहार किया गया, आराम से भी बोल सकते थे, क्या कहना चाहेंगे इस मामले? अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ऐसा किया गया तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो भी मांगे हैं इनकी उनको आगे पहुंचाया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी। सर ये अधिकार नहीं है छात्रों का, यूपी के अंदर चुनाव चल रहे हैं, चुनाव भी स्थगित किए जा सकते हैं, छात्रों के शिक्षण संस्थान बंद कर दिए जाते हैं, उनके एग्जाम टाइम जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, क्या ये जरूरी नहीं है? जो भी आपकी जो भी मांगे हैं वो भी सरकार के सामने रख दी जाएंगी उपायुक्त महोदय के माध्यम से, आप चिंता मत करिए, जो भी उचित होगा। एक बात ये भी है सर, हम सारे विद्यार्थी वर्ग से हैं, हम सारे स्टूडेंट हैं। अब एक बात बताओ, अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर का नहीं पता है तो हमारे जो साथी हैं पुलिस में भर्ती हुए हैं वो हमें बताएंगे बिहेवियर के साथ में? बिल्कुल प्यार से बताएंगे सर, अगर वो हमारे साथ धक्का मुक्की करेंगे तो स्टूडेंट के दिमाग, एक मिनट सर, स्टूडेंट के दिमाग में पुलिस के लिए क्या इमेज बनेगी सर, आप बताओ एक बार। डेकोरम होता है जी, यहाँ जैसे अंदर आना जाना होता प्रशासनिक, आम आदमी का जाना होता प्रशासनिक, भाई गलती नहीं हो सकती क्या इंसान से? हो सकता है कुछ ऐसी कोई बात हुई हो, मुझे पता नहीं इस बारे में प्रॉपर, लेकिन हुआ तो उसके लिए। और अगर भारत देश में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो ये तो हमारा सर बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कहीं भी जा सकते हैं हम, संविधान में अधिकार प्राप्त है हमें, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं तो कि हमने जाके वहाँ पे अवैध कब्जा कर लिया। ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ इन्होंने सर ने कहा, आश्वासन दिया और क्या आपकी मांगे थी? इनका आश्वासन यही है कि हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम अपने संयुक्त छात्र मोर्चे की तरफ से ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम करेंगे, संसद का घेराव करने का काम करेंगे, और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं फिलहाल, उनके लिए शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएं ताकि उनकी शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके और वो भविष्य में जाके उनको किसी टेली प्रमोटर का सहारा ना लेना पड़े बोलने के लिए, जो कि आप लोगों को पता भी होगा जी। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि लोग इसको पॉलिटिक्स से भी जोड़ लेंगे, नहीं तो धन्यवाद है, हमारा मुख्य मांग ये कि हमारे खोल दिए जाए। बर्ताव यहाँ पे हुआ था और देखिए जैसे बर्ताव यहाँ हुआ वो बेहद शर्मनाक था कि जैसे ही विद्यार्थी अंदर घुसे उनको धक्के मारे गए, तो इसमें प्रशासन को अपनी तरफ से रखना चाहिए था कि या तो यहाँ प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं या गार्ड, उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए था। अगर छात्र अंदर जा रहे हैं तो ये इसमें गलती उनकी है, उन्हें रोकना चाहिए। अगर वो नहीं रोक पाए, छात्र अंदर घुसे हैं तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो उन्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालें, जो कि कैमरा भी हुआ है। तो मैं तो इस जो ये रवैया हुआ है मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। किसके बारे में क्या हमारा जो अस्तित्व है वो शिक्षा से ही है, अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा।
तो आपने देखा वीडियो के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पे छात्र जो है वो अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे लघु सचिवालय के सामने से नारे लगाते हुए गुजर रहे थे और जिस प्रकार का बर्ताव यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया गया है तो वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार जो है वो उसके लिए मांग जो है वो उठा सकता है, लेकिन इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो एक निंदनीय है। क्या आप लोग इस निंदनीय को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं क्या? जी सर नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज छात्र बारक से होते हुए यहाँ गुजर रहे थे? सर देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये देश का दुर्भाग्य है। मैं इसको इस बात को ऐसे कहना चाहूँगा कि देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि किसी भी देश की प्रदेश की उन्नति शिक्षा जो प्राथमिक चरण होता है उस पर ही डिपेंड करती है। यहाँ बच्चों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, शिक्षा छीनी जा रही है, ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार विशेष रूप से गरीब समाज का जो तबका है, गरीब लोगों को शिक्षा से सीधा सीधा वंचित करके उन्हें सिर्फ और दिहाड़ीदार मजदूर बनाना चाहती है। जो कि पूरे देश में आज प्रदेश में कई प्रदेशों में चुनाव भी आप लोग देख रहे हैं, प्रदेश में रैलियां हो रही हैं, वहाँ पर कोरोना नहीं है, लेकिन ये कोरोना का नाम लेकर के कोरोना की आड़ लेकर के इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का नाश करना है। लेकिन मैं स्टूडेंटों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज हमने ये छोटा अभी स्कूल के बच्चों कॉलेज के बच्चों को लेकर के एजिटेशन किया, लेकिन अगर सरकार ने जल्दी ही फैसले अपने नहीं बदले तो हम पूरा प्रदेश व्यापी एक आंदोलन खड़ा करेंगे और अपने हक अधिकार स्कूलों को खुलवा कर रहेंगे, एजुकेशन का स्तर को ठीक करवाते ही रहेंगे। धन्यवाद। एक साथी और है, उससे बातचीत करेंगे। जी भाई साहब नमस्कार। जिस प्रकार से अंदर जा रहे थे, धक्का मुक्की हुई आपके साथ में, लॉ एंड ऑर्डर का कानून सिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने भी जवाब दिया, ऑफिस में क्या कह रहे हैं? देखिए, पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सरकार के तानाशाही रवैये को लागू करती है। सरकार का जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कानून और व्यवस्था, और कानून क्या है? देश के नागरिकों को सम्मान, देश में कोई भी असंवैधानिक गतिविधि ना होने देना, और देश के जो नागरिकों की जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाना विधिवत रूप से। इसके बीच में प्रत्येक नागरिक का सम्मान और उसका आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, ऐसा भारतीय संविधान कहता है, ये है लॉ एंड ऑर्डर। परंतु वर्तमान में क्या हो रहा है, सरकारें इस कदर प्रशासन पर हावी हो गई हैं और प्रशासन भी इस कदर सरकारों के नीचे दबाव में इतना रहता है कि अपनी बदली के नाम पर अपनी प्रमोशन रुकने के डर से प्रशासन भी सरकार के सामने कुछ नहीं बोल रहा है। ये तो चलिए एक छोटे पुलिस अधिकारी थे, आप देखेंगे कि जिला के मुखिया जो पुलिस अधिकारी होते हैं, SP है, DC है, वो भी प्रशासन के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सरकार की तानाशाही को अपने जो आम जन पर लागू करने का काम कर रहे हैं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो तानाशाही रवैया है वो लागू किए जा रहे हैं। ऐसे में जो यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद करने का जो तानाशाही फैसला जो सरकार ने दिया है उसको पुलिस के द्वारा ही सरकार लागू करवा रही है। ऐसे में जो कोरोना के नाम पर, जो महामारी के नाम पर जो चालान काटे जा रहे हैं, जो लॉकडाउन लगाया गया है उसके नाम पर जो मार्केट बंद की जा रही है, वो भी सारा फैसला जो है सरकारें प्रशासन के मार्फत लागू करवा रही हैं। हम ऐसे प्रशासन को भी चेता देना चाहते हैं कि आप लोग भारतीय संविधान के अनुसार पदों पर बैठे हुए हो, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, परीक्षाएं देकर के आप लोगों ने नौकरियां ज्वाइन की, आप लोग पढ़े लिखे होने का फर्ज निभाते हुए इतने दबाव मत बनिए, इतने दबाव में मत रहिए कि आप लोग किसी अनपढ़ मंत्रियों के और जो परिवारहीन जो लोग हैं ऐसे लोगों के दबाव में आकर के आप देश का समाज का ढांचा, शैक्षणिक ढांचा खासतौर पर ना बिगाड़े, क्योंकि जब तक शैक्षणिक व्यवस्था इस देश में सही नहीं होगी तब तक किसी इस देश का कोई भी कल्याण नहीं हो पाएगा। शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए प्रत्येक वर्ग, चाहे छात्र वर्ग है चाहे अध्यापक वर्ग है, आज बड़े जोर शोर से बात कह रहा है कि शैक्षणिक गतिविधियों को पूरे प्रदेश में बिना किसी शर्त के खोला जाए, अगर कहीं कोरोना की गाइडलाइन में कमी आ रही है तो शैक्षणिक संस्थानों में वो सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए जिससे कि कोरोना से बच्चे को बच सके। परंतु मार्केट को खोल कर और चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए और शराब के ठेकों को खोल कर अगर आप शैक्षणिक व्यवस्था को बंद करवाना चाहते हैं तो ऐसे तानाशाही रवैये को और एक तरफा निर्णय को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। संयुक्त छात्र मोर्चा के बैनर तले सभी छात्र संगठन जो हरियाणा प्रदेश में काम कर रहे हैं वो सब लामबद्ध हुए हैं, लगभग जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन पत्र सौंपे जा रहे हैं। 26 तारीख तक अगर राज्य सरकार ने जो ये स्कूल कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का जो निर्णय नहीं लिया और इनको बंद करने का निर्णय सरकार लेती है तो ये संयुक्त छात्र मोर्चा व लॉकडाउन विरोधी छात्र मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश के छात्र संगठन व सभी शिक्षा प्रेमी लोग इकट्ठा होकर के हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री व विधानसभा घेराव करने के लिए विवश होंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी हरियाणा सरकार ने नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर 26 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, लेकिन लोगों का आपस में आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं जो है वो आवाज़ अपने हकों की उठा रहे हैं। पूरे देश के अंदर अगर बच्चे जो हैं वो शिक्षित ही नहीं होंगे तो आगे जाकर के अपनी आवाज़ जो है कैसे उठा सकते हैं? लोगों से बातचीत की, आपका क्या कहना है इस वीडियो में बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर दें, क्योंकि आपका अपना हक है, अगर बच्चा देश पढ़ेगा नहीं तो
प्रशासन के सामने या फिर सरकार के सामने क्वेश्चन नहीं उठा पाएगा, जिससे आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर अपने बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार की तरफ बढ़ता हुआ शायद लग रहा होगा। अगली वीडियो में हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।